चार दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन सहित मंदिर से निकलने वाली शोभा यात्रा में लेंगे भाग। बुधवार को लखनऊ के लिए करेंगे प्रस्थान। सीएम योगी ने विधि विधान से की महानिशा पूजा। सात्विक बलि देकर व हवन अनुष्ठान के बीच आदि शक्ति से की लोक कल्याण की मंगल कामना। मंगलवार को विजय शोभा यात्रा तक गोरक्ष भूमि पर शक्ति की उपासना में रत रहेंगे मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर। विजयदशमी को दिखेगी बड़े फलक पर सामाजिक समरसता की झलक। गोरक्ष पीठाधीश्वर की अगुवाई में मंगलवार शाम निकलेगी विजय शोभा यात्रा। गोरखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार के आगे स्वागत करेंगे अल्पसंख्यक समाज के लोग। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने मूर्ति विसर्जन मार्ग बख्शीपुर से लेकर मूर्ति विसर्जन स्थल तक किया निरीक्षण। कहा, मूर्ति विसर्जन को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां हैं। पूरी जनपद पुलिस के साथ एसएसबी जवानों की लगाई गई है ड्यूटी। गोरखपुर शहर क्षेत्र में लूट की कई घटनाएं कारित करने वाले शातिर वांछित लुटेरे राज गौड़ उर्फ बिट्टू गौड़ को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का 13,500 रुपए, दो मोबाइल, नशीला पदार्थ, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कमिश्नर रवि कुमार एनजी द्वारा किया गया झंडारोहण। कहा, अधिकारी एवं कर्मचारियों को उनके आदर्शों पर चलने का दिलाया गया संकल्प। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कलेक्ट्रेट प्रांगण में किया ध्वजारोहण। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। दशहरे पर निकलने वाले शोभा यात्रा की तैयारियों पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, शोभा यात्रा को संपन्न कराने के लिए सभी विभागों के अधिकारियों के साथ की जा चुकी है बैठक। शोभा यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले बिजली के तारों को ऊंचा, सड़कों को गड्ढा मुक्त, मूर्तियों के विसर्जन के लिए अस्थायी तालाब बनाने का दिया गया है निर्देश। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर नगर निगम के सदर हॉल में महापौर सीताराम जायसवाल व नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने उनके चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कहा, दोनों महापुरुषों ने अपने जीवन काल में देश को आगे बढ़ाने में किया बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य, लोगों को लेनी चाहिए सीख। भारतीय जनता पार्टी महानगर के कार्यकर्ताओं ने गांधी जी व शास्त्री जी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कहा, सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं भारत मां के लाल सादगी एवं ईमानदारी के प्रतीक थे श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री। महात्मा गांधी जी के 153वें व लाल बहादुर शास्त्री के 118वें जन्मदिवस पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा किया गया झंडारोहण। कहा, देश की आजादी व राष्ट्रीय एकता की रक्षा करने की दिलाई शपथ। सदर तहसील सभागार में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर कुलदीप मीणा एवं तहसीलदार सदर विकास कुमार सिंह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कहा, महान विभूतियों की विचारधारा को हमें अपने जीवन में करना चाहिए आत्मसात। अपहरण कर दुष्कर्म करने व हत्या का प्रयास करने के आरोप में वांछित अभियुक्त चंदन निषाद को कैंपियरगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। नवरात्र व दशहरे के त्योहार को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग हो गया है अलर्ट। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, त्योहारों के दौरान मिलावटखोर हो जाते हैं सक्रिय, सजग रहें, सतर्क रहें और अपने स्वास्थ्य के प्रति रहें सचेत। गोरखपुर विश्वविद्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की धूमधाम से मनाई गई जयंती। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा, इनके संदेशों का करे पालन, उस पर करे चर्चा और उनको उतारे अपने जीवन में।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सीएमओ कार्यालय पर किया गया झंडारोहण। कहा, दोनों महापुरुष सजगता, सरलता और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण के थे मिसाल। और विशेष सड़क सुरक्षा अभियान की रैली को राजकीय जुबली इंटर कॉलेज से जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, यह रैली लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति करेगी जागरूक, सभी लोग करें यातायात नियमों का पालन।